नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है लेक, और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक एक पंजाबी रोमांटिक फिल्म है जिसमें गुरनाम भुल्लर और तानिया मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण साइट हिल स्टूडियोज द्वारा किया गया है और इसका निर्देशन मुनवीर बरार ने किया है। इसे किस्मत फिल्म लेखक निर्देशक जगदीप सिद्धू ने लिखा है। ये फिल्म 1 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंतत आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है, और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश, वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी, और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया।
जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्प्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसने हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह
हुलर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत पुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम, बुल्लर और तानिया उर्फ
राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मी किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्य सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा
गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत कुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत
अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंत फुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आइए मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क की
विकी को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराश जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के युद्ध दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेह की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसने हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंत रंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए रसुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईडी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक
इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसने हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया है। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत और अद्भुत अभिनय कौशल। आइए के मुख्य सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है।
फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेह की घोषणा की गई थी, ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है, ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी। और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतुकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चे राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द
दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्किलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताजा है। उन्होंने हमेशा के लिए सूखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत और अद्भुत अभिनय कौशल। आइए जो मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान और भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उमेश को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बनी
बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चे राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में
वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी। और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गथ गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरोकार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट स्पिलर्स के
सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी, और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सूची से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उमी किर्क को कैमियो के देखा गया था, और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है, और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्प्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी, और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा
अपरंत फुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आइए जी मुख्य सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसने हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंत फुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल।
अय्यर मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत और अद्भुत अभिनय कौशल। अय्यर मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को
बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे, वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है, जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद कीर्क को कैमियो के देखा गया था, और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जानी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है, जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी, ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है, और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है, ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी, और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है, वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे, वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा
गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जॉनी अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंतत आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा प्लॉट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंत रंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार उनका गुस्सा उनकी पीड़ा उनकी दिलों की पवित्रता एक दूसरे के लिए उनका सम्मान और भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र तो बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत
अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जॉनी, अफसाना खान और गुलनाम भुल्लर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चे राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, उनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला प्रश्न वो चीज़ें जो आप उस प्रश्न का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया है। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सूची से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम बुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनकी भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद
किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख है। स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंत कुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आइए मुख्य सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक
इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश, वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत रंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताजा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम बुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उमी किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है।
फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित। लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा। जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताजा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार उनका गुस्सा उनकी पीड़ा उनकी दिलों की पवित्रता एक दूसरे के लिए उनका सम्मान हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गथ गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराख जॉनी अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित। लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के
दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्प्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंत फुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताजा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मी किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के इर्द दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बनी
बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रीनर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों इनके अलगाव के इर्द दर्द उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेह की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में
वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्किलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कौतिकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज सरफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के
स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत कुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेह में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईएडी मुख्य सितारों के साथ शुरू करते हैं गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उमी किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंतत आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्पिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपना
हैं। अपरंत फुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम गुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष ये थोड़ा अपरंत पुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया, लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल।
आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्प्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कार ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को
बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता एक दूसरे के लिए, उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि बात तो बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उमी किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के इर्द दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा, जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत की सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीजें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिलर्स के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चमत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत पुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम भुल्लर और तानिया उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है, जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता एक दूसरे के लिए, उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे, लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा
गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका भी निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला क्रश वो चीज़ें जो आप उस क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा फ्लैट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा की दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसने हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष। ये थोड़ा अपरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज़ जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराम बुल्लर और तानियास उर्फ राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी को एक
महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हम हर हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपराक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है। फिल्म का ट्रेलर 16 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था। कहानी जगदीश सिद्धू द्वारा लिखित, लेख स्कूल जाने वाले दो छोटे बच्चों राजवीर और रौनक की प्रेम कहानी के बारे में है। ये उनके बंधन उनके प्यार के मधुर और मूर्खतापूर्ण इशारों, इनके अलगाव के दर्द, उनके फिर से मिलने की संतुष्टि और अंततः आगे बढ़ने में मिली शांति के इर्द गिर्द घूमती है। समीक्षा: जिस दिन से फिल्म लेख की घोषणा की गई थी ये स्पष्ट था कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने जा रहा है और हर कोई जो एक ही उम्मीद के साथ फिल्म देखने जा रहा है ये वो निश्चित रूप से निराश नहीं होगा। भावनाओं से बुनी गई लेख की कहानी का उद्देश्य तुरंत दिल को छू जाती है। किस्मत टू सूफना और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्में हमें दे चुके जगदीप सिद्धू ने एक बार फिर जादू बिखेरा। उनकी पटकथा और पटकथा की सरलता का तत्व काबिले तारीफ है। इस तेज रफ्तार में वो आपको अपने पहले चक्र को रोकने और याद करने के लिए मजबूर करते हैं। आपका पहला प्रश्न वो चीजें जो आप उस प्रश्न का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा प्लॉट को कॉमेडी के स्क्रिप्ट के सजाया गया है। मुख्य अभिनेताओं द्वारा दी गई अच्छी पंच लाइनों के अलावा लेखक ने हमें विशेष रूप से हंसा की खुराक के लिए एक या दो पात्र दी और अब उस हिस्से पर आना जिसमें हमें वास्तव में रंग दिया। इस बार हमें प्रभावित किया चरमोत्कर्ष, ये थोड़ा अपरंत खुरंग आश्चर्यजनक यथार्थवादी और साथ ही ताज़ा है। उन्होंने हमेशा के लिए सुखी से पेट पेंट किया लेकिन हमें एक कहानी का अंत नहीं दिया है। जगदीश सिद्धू के लेखन के अलावा एक और चीज जो लेख में अलगा है वो है प्रत्येक चरित्र द्वारा प्रस्तुत अद्भुत अभिनय कौशल। आईआईटी मुख्यतः सितारों के साथ शुरू करते हैं। गुमराह गुल्लर और तानिया स्वरूप राजवीर और रौनक को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक कहा जाता है। जिनका प्यार, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा, उनकी दिलों की पवित्रता, एक दूसरे के लिए उनका सम्मान, हर भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पात्र बिना किसी दोष के थे लेकिन जिस तरह से वे अपने खामियों के मालिक थे वो कुछ ऐसा था जो हमें उनके भावनाओं से जुड़े रखता है। उसके अलावा गुरनाम और तानिया दिवंगत अभिनेता काका कोतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखा गया था। उन्होंने फिल्म में गुरनाम के पिता की भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पहले ये काका की आखिरी फिल्म है जो, और बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल से हम हर हमेशा के लिए छाप छोड़ी। इसके अलावा निर्मल ऋषि और उम्मीद किर्क की
क्रिक को कैमियो के देखा गया था और उनकी विशेष उपस्थिति के बिना लेख पूरा नहीं होता। अंतिम लेखक कम से कम हम फिल्म के संगीत के बारे में बात किए बिना समीक्षा समाप्त नहीं कर सकते। लवा गत गीतों से लेकर उदास रोमांटिक नंबरों तक इस फिल्म का हर गाना एक शुद्ध आनंद है। विपाक जॉनी, अफसाना खान और गुरनाम भुल्लर ने एक प्लेटिस्ट बनाई है जिसमें पंजाबी क्लासिक के रूप में चिन्हित होने की क्षमता है।